हेलो फ्रेंड्स, कुक विद सोफिया इस चैनल में आपका स्वागत है। पराठा बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको पराठा बहुत पसंद आता है। तो चलिए सीक्रेट टिप्स के साथ स्टेप बाय स्टेप आलू मटर पराठा इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। आलू को अच्छे से धो ले। हमें सबसे पहले कुकर में आधा किलो आलू को नमक डाल के उबाल लेना है। आलू कुकर में डालें, उसमें 3 कप पानी और आधा टेबल स्पून नमक ऐड करें और कुकर का ढक्कन लगा दे। 4 से 5 सीटी होने दे। आलू उबलते समय नमक डालने से पराठे स्वाद बनते हैं। उसके बाद आधा बाउल मटर ले। मैंने यहाँ मटर को 1 मिनट तक बॉईल किया है ताकि स्टफिंग में इसका कच्चा फ्लेवर ना आए। अब मटर को उबले हुए आलू में डाल दे। आलू और मटर को अच्छे से स्मैश कर ले। सारे आलू और मटर अच्छे से स्मैश करेंगे तो पराठा फटेगा नहीं। हमें इस तरह से आलू और मटर को स्मैश करना है। स्टोव पे कढ़ाई रखें और उसमें 3 टेबलस्पून घी या तेल डालिए। तेल को अच्छे से गर्म होने दें। अब तेल में हम 1/2 टेबलस्पून जीरा डालेंगे, उसे अच्छे से भून लें। 1/2 टेबलस्पून नमक ऐड करें। अब तेल में 1/2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालें। गैस की फ्लेम को लो कर दें और इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालें। कोई भी मसाले या मिर्च डालते समय गैस की फ्लेम कम ही रखें ताकि मसाले जले ना। सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद कढ़ाई में 1 बड़ी कटी हुई प्याज डालें और उसे गुलाबी होने तक अच्छे से भून लें। आप देख सकते हैं भून लेने के बाद प्याज का कलर कैसे गुलाबी हो चुका है। अब हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। जब तक टमाटर को पानी नहीं छूटता तब तक प्याज के साथ इसे भून लें। अब हम इसमें स्मैश किया हुआ आलू मटर डालेंगे। सारी सामग्री अच्छे से मिक्स कर लें और थोड़ा देर तक लो फ्लेम पे इसे पकने दें। अच्छे से पक जाने के बाद गैस की फ्लेम बंद कर दें और ऊपर से धनिया पत्ता डालें। आपका आलू मटर पराठा स्टफिंग रेडी है। हमें इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है, गरम स्टफिंग का यूज़ ना करें। स्टफिंग ठंडा होने के बाद हम आलू मटर पराठा बनाने की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम चकले पे सूखा आटा डालेंगे ताकि हमारा आटे का डो चकले को ना चिपके। उसके बाद हम डो को इस तरीके से उंगलियों से फ्लैट करेंगे। बेलन का इस्तेमाल करके चपाती बनाइए। इस आकार की चपाती बनने के बाद हम इसमें स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग डालने से पहले चपाती पे थोड़ा सा तेल लगाएं, इससे पराठा क्रिस्पी बनता है। आपको कम या ज़्यादा स्टफिंग पसंद है तो आप उसकी मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्टफिंग चपाती में डालने के बाद इस तरह से हमें पोटली बनानी है। आप देख सकते हैं कैसी राउंड शेप में पोटली बन चुकी है। उसके बाद चकले पे थोड़ा सूखा आटा लगाइए। हमें इसी तरह से हाथों से इसे फ्लैट बनाना है। पराठा थोड़ा बड़ा होने के बाद हम बेलन का इस्तेमाल करके पराठा बनाएंगे। पराठा बनने के बाद स्टोव पे पैन रखें और पैन को अच्छे से गर्म होने दें। पैन पे थोड़ा सा घी डाल के उसे अच्छे से फैला दें। पैन अच्छे से गर्म नहीं हुआ तो आपका पराठा पलटेगा नहीं, पैन को चिपका रहेगा, इसीलिए अच्छे से पैन को गर्म होने दें। अब पैन पे पराठा डालें। गैस की फ्लेम मीडियम रखें। बीच बीच में पराठा पलट के देखते रहिए ताकि पराठा जले ना। पराठा पलट के भुनी हुई साइड पे घी लगाएं, कच्ची साइड पे घी ना लगाएं। इसी तरीके से पराठे को दोनों साइड से भून लें। अगर आपको पराठे की कोई साइड कच्ची लग रही है तो चम्मच की मदद से ऐसे प्रेस करें। ये प्रोसेस करने से कच्ची साइड अपने आप भुनी जाती है। आपको दोनों साइड से ये प्रोसेस करनी है ताकि पराठा कच्चा ना रहे। इस तरीके से आपका पराठा रोस्ट होना चाहिए। अब हम इसे प्लेट में निकाल के दही और बटर के साथ सर्व करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप कमेंट सेक्शन में जाके भी अपना रिव्यू दे सकते हैं।